सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम रिजवान एंड यू आर वाचिंग माय चैनल आर्किटेक्ट। दोस्तों, आज की जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इस वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो की वजह से आप काफ़ी बड़ी मुश्किल से बच सकते हैं। आज मुझे एक कॉल रिसीव हुई एक मोबाइल नंबर से और रात का टाइम था, उसके अंदर उन्होंने बोला कि वो आर्मी से बात कर रहे हैं और कोई सूबेदार, उन्होंने बताया कि मैं सूबेदार हूँ, अपना नाम वगैरह बताया और उन्होंने बोला कि वो कुछ अर्सा पहले आपके इलाके के अंदर मरदमशुमारी की गई थी, जिसके बारे में वो इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं। उस डाटा को वेरीफाई करने के लिए आपसे कुछ मालूमात दरकार हैं। तो आगे उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन पूछी, आप जॉब करते हैं या फिर आपका अपना बिजनेस है, आपके बैंक्स की इंफॉर्मेशन क्या है, आपके अकाउंट्स किधर हैं, तो ये सारी चीज़ें वो पूछ रहे थे। तो इसी दौरान मैंने उनसे उनका तारफ़ दोबारा पूछा कि आपने इस वक्त कॉल क्यों की, और कुछ चीज़ें मैंने उनके मतलब पूछना चाहिए, लेकिन उन्होंने कॉल बंद कर दी। तो इससे पहले मुझे एक मैसेज वॉइस रिकॉर्डिंग रिसीव हो चुकी थी एक दो दिन पहले, जिसके अंदर उस बंदे ने बताया था कि ये प्रैंक कॉल्स हैं और लोगों को लूटा जा रहा है, बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों से इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, उनके घर में अफराद कितने हैं, उनके अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन लेते हैं और कौन कौन घर पर किस वक्त होता है, उनको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से वो लेते हैं और फिर अपना जो उनकी वारदात होती है उसको सेट करते हैं। तो ये हुदारा, इस चीज़ से बचिए, अपने तमाम दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए और तमाम यूट्यूबर्स को मैं बोलूँगा कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाकर लोगों को आगाही की जाए कि जितनी भी कॉल्स मोबाइल नंबर से रिसीव होती हैं इस तरह की, जो आपसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं, आप उनको अपनी इंफॉर्मेशन कभी मत दीजिए और हुदारा इन चीज़ों से बचिए। जितनी भी कॉल्स आपको ऑफिशियल नंबर से रिसीव होंगी, अगर कोई आर्मी की तरफ से होंगी या गवर्नमेंट की तरफ से रिसीव होंगी, तो वो आपके मोबाइल के ऊपर वाज़े तौर पर पता चल जाएगा आपको, क्योंकि जब भी आपको कॉल रिसीव होती है किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से या आर्मी की तरफ से, तो वो 92 वाले नंबर यानी PTCL नंबर से कॉल करेंगे। जो 92 वाले नंबर होते हैं ये ऑफिशियल नंबर होते हैं, ये कोई और बंदा इनको यूज़ नहीं कर सकता, और जब भी वो कॉल करेंगे आपको 92 वाले नंबर से होगी, जिससे ये ज़ाहिर होगा कि वो जो कॉल है वो ऑफिशियल कॉल है और वो आर्मी की तरफ से है या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से है। तो ये चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखिए, अपने तमाम प्यारों से इस वीडियो को शेयर कीजिए और तमाम यूट्यूबर्स इस टॉपिक के ऊपर वीडियो लाजमी बनाइए। आपको सबूत मुहैया करने के लिए मैंने वो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी और उसका जो नंबर था वो भी यहाँ पर शेयर कर दूंगा, सामने आपके शो हो रहा था जिस नंबर से मुझे कॉल रिसीव हुई थी, तो इसको भी आप सुनिए। तो मेरी तरफ से आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, बी सेफ एंड अवॉइड दीज कॉल्स फ्राम एनी वन हु इज़ नॉट फ्राम ऑफिशियल्स, हु इज़ नॉट फ्राम आर्मी, हु इज़ नॉट फ्राम गवर्नमेंट सर्वेंट्स, एंड दीज पीपल्स आर जस्ट फॉर्ड्स एंड जस्ट वाना लूट यू एंड जस्ट स्टे अवे फ्राम देम, ताकि आने वाले वक्त में आपके लिए किसी किस्म का कोई मसला ना बन सके। ठीक है, तो आप ये मुझे बताइए, आप जाती कारोबार करते हैं या किसी जगह पे मुलाजमत करते हैं आप? सर, ये बैंकों की तरफ से ये तस्दीक की जा रही है, तो आपका फैमिली में से कौन से बैंक में अकाउंट नंबर है? हेलो जी, जी आप पहले अपना बताएं ना, आप कौन है? सर मैं पूछ रहा हूँ आपका फैमिली में से कौन से बैंक में अकाउंट नंबर है? आप हैं कौन, बात कौन कर रहे हैं आप? तो यही बात आपको कहना चाहता हूँ, हुदारा इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, हुदा हाफिज़।